बढ़िया, बहुत सारे आगे क्वेश्चंस। तो ऐसा सीन ये है कि यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, उनके मैं आंसर्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको 1-on-1 दे दूँ। और आपने देखा होगा कि मेजरली मैं यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज्यादा ईजी लगता है, प्लस आपसे 1-to-1 जो है इंटरेक्शन भी हो जाता है। बट अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और इसमें जो है डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है काफी कॉमन है। क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आप लोगों ने पूछा, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन था कि रेनी सीजन के लिए बेसिकली भाई को जो है एक टायर चाहिए, और ये अपने पल्सर 180 पे एंड एक्टिवा 3G पे जो है यूज करेंगे, मतलब दो इनके पास प्रोडक्ट हैं। तो चलो ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्टिवा का बताता हूँ। एक्टिवा मेरे पास भी है, और एक्टिवा में जो है यूजुअली MRF के टायर्स जो है वो स्टॉक आते हैं। ठीक टायर है, अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, काफी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर मैं ऐसे बताऊं कि आपको रेनी सीजन के लिए कौन सा टायर लेना चाहिए, तो एज सच तो देखो यार बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है, और सारे के बारे में तो यार मुझे पर्सनली खुद भी नहीं पता है। बट एक टायर है जो अच्छा टायर है, क्योंकि मैंने उसको यूज किया था, वो था सीएट का ग्रिप, सीएट ग्रिप, GRIP शायद नाम था, GRIW ऐसे कुछ नाम था। तो वो एक अच्छा टायर था, उसके जो ग्रिप वगैरह थी वो काफी अच्छी थी। तो भाई आप ये टायर को एक बार कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टायर्स हैं जो थोड़े महंगे में भी आ जाते हैं, ये जो है थोड़ा बजट में है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी खासी आपको मिल जाती है। सीएट का ही जो टायर है पल्सर में भी कंसिडर कर सकते हैं, ग्रिप अच्छा दे, वेट सर्फेस पे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, टायर जो है मेरे ख्याल से आपका काम कर देगी। इनका जो क्वेश्चन था कि अर्गोनॉमिक एक बाइक ढूंढ रहे हैं 150 से 160 सीसी के सेगमेंट में, और भाई जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बैंगलोर में रहते हैं, सिटी राइड्स के लिए जो है मेजरली वो बाइक ले रहे हैं, प्लस ओकेशनल हाइब्रिड ट्रिप्स भी जो है, मतलब आउट स्टेशन राइड्स भी जो करेंगे। यहाँ पे भाई आप जिक्सर को कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बाइक है। और अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो इन सिटी परफॉर्मेंस की बात करूं, या अगर हाईवे की परफॉर्मेंस की बात करूं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप सॉर्टेड हो। बात आती है अर्गोनॉमिक्स की, क्योंकि आप जो है मेजॉरिटी अपना टाइम जो है रोड पे स्पेंड करते हो, राइडिंग करते रहते हो, तो ऑब्वियसली एक ऐसा बाइक चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो। तो देखो ऐसे 150 सीसी में आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो राइडिंग पोजिशन है वो है थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगा थोड़ा स्पोर्टी है, एक अपराइट स्टांस है, जिस वजह से आपको जो है बहुत ज्यादा बैक पेन वगैरह की इश्यूज नहीं आनी चाहिए। तो ये एक बाइक आप कंसिडर कर सकते हो 150 सीसी सेगमेंट में, जो है ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। दूसरा, अगर आप एवेंजर सीरीज में देखते हो, तो एवेंजर में जो है आपका 160-180 ऑप्शन जो आपको मिल जाते हैं। तो एवेंजर जो है बेसिकली ये क्रूजिंग मोटरसाइकिल टाइप की है, और अच्छा खासा उसका परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, और जो ओवरऑल स्टांस आपको पता है ये क्रूजर टाइप है, तो थोड़ा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन ज्यादा है। तो ये बाइक जो आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बाइक जो है काफी अच्छा है। तो इनका मेन क्वेश्चन था कि एप्रिलिया SR 125 और स्टॉर्म 125 में से जो है कौन सा बेहतरीन है और क्यों। तो देखो एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरा स्टॉर्म का रिव्यू नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएगा। बेसिकली सीन क्या है कि एप्रिलिया ने जो है SR125 का ही पूरा स्ट्रक्चर लिया है। बेसिकली जो स्टॉर्म है उसका अंडरपिनिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो जो है एप्रिलिया SR125 का ही है। यहाँ पे क्या है कि स्टॉर्म जो है थोड़ा बजट ऑफरिंग के तौर पे निकाला गया है, इसी वजह से जो आपको वहां पे थोड़ी चीजें कम दिखेंगी अगर आप उसको डायरेक्टली कंपेयर करते हो SR125 से। अब स्कूटर्स की जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट एक बराबर ही है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में बढ़िया कौन सी है, तो डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है कि SR125 ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे आपको 14 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे सबसे पहली बात, दूसरा आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पे अगर मैं आपको बात करूं स्टॉर्म की, तो स्टॉर्म में जो है देखो लुक वाइज मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लुक वाइज दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर ही लगते हैं, थोड़े से इधर उधर कलर डिफरेंस है, थोड़े से स्लाइट मॉडिफिकेशन है, तो वो एक बारी को मैं जो है वो आपके पर्सनल चॉइस पे छोड़ सकता हूँ। बट अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, तो इंजन वाइज मैंने आपको जैसे बताया दोनों सेम है, ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह है वो भी डेफिनेटली बेटर है SR125 की। मैं एक बार ब्रेकिंग के बारे में भी बात कर लूंगा, तो देखो SR125 का ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज जो है काफी अच्छा है, काफी मतलब बढ़िया ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। स्टॉर्म की मैं कहूंगा स्लाइटली कम है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ SR125 से, डिसेंट ब्रेकिंग है। बट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली SR125 की जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी बेहतरीन है, प्लस आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। तो अगर आपको बजट का सच इशू नहीं है, तो आप SR125 को कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन होगा।
फिर भी मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि खुद जो है आप पर्सनली जो है एक बार दोनों ही स्कूटर्स को चेकआउट करें, दोनों का टेस्ट राइड लें, क्योंकि आपको पैसे खर्चने हैं तो आपको जो है पूरा एक सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों स्कूटर्स के साथ, जो मैंने टाइम स्पेंड किया था मुझे कैसा लगा। अगर आपका बजट का इश्यू नहीं है तो मैं तो कहूंगा SR125 के साथ जाओ। है उसकी देखो सस्पेंशन सेटअप थोड़ी सी स्टिफ है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो ऑलमोस्ट SR सीरीज के सारे स्कूटर्स के साथ ही है, थोड़ा सस्पेंशन जो थोड़ा सा स्टिफ है, जिस वजह से हैंडलिंग तो बहुत बेहतरीन होती है लेकिन रफ रोड्स पे जो है थोड़ा सा जर्क्स जो है आपको इजिली महसूस होगा। जो अगला क्वेश्चन है इनका आंसर मैंने उनको दे दिया था इनके कमेंट सेक्शन में, तो अगर इनसे मिस हो गया है, बट अगर ये कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोग मेरे से पूछते हैं, तो इन्होंने पूछा था कि देखो 100 किलोमीटर में बाइक डेली चलाता हूँ, तो भाई 100 किलोमीटर बहुत होता है यार एवरीडे चलाना, तो मतलब जो भी आप काम करते हो डेफिनेटली काफी मेहनत करते हो भाई, तो 100 किलोमीटर्स तो यार है अच्छा खासा माइलेज, मतलब अच्छा खासा ये है। एनीवेज तो इनको चाहिए एक ऐसी बाइक जो माइलेज बढ़िया दे। ऑब्वियस ही बात है अब जो बंदा 100 किलोमीटर रोज चलाएगा उनके लिए माइलेज तो इम्पोर्टेंट होगी, प्लस बढ़िया लुक्स भी दे दे, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और लो मेंटेनेंस। 100-110 cc के सेगमेंट पे अगर आप बाइक ढूंढ रहे हो तो कम्यूटर बाइक सी है, तो डिजाइन वाइज तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्पोर्टी बाइक्स आपको मिल जाएंगे, बट हाँ अच्छा खासा एलिगेंट डिजाइन आपको यहाँ पे अब मिल जाते हैं देखने को। सबसे पहला है TVS रेडियन। रेडियन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है, परफॉर्मेंस वाइज, लुक्स वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज सभी तरीके से जो अच्छी है, और मेंटेनेंस भी जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है TVS के, जो है मेंटेनेंस में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वही अगर मैं बात करूँ माइलेज की, तो माइलेज भी जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न कर देगी। रेडियन पे मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो ही बना रखा है, सारे प्रोज कॉन्स जो भी चीजें हैं मैंने उसके बारे में बात कर रखी है, ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार जाके जरूर उस वीडियो को देखें। आपको दूसरा बाइक मैं आपको इसी 100-110 cc के सेगमेंट पर रेकमेंड करूंगा, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, प्लैटिना एज के बजाज की तरफ से आती है और बेहतरीन बाइक यहाँ पे अभी जो है प्लैटिना बन के आई है। क्योंकि देखो आप 100 किलोमीटर चलाते हो तो मे बी आप हाईवेज पे भी अच्छा खासा जाते होगे, तो प्लैटिना एज गियर जो आपको फायदा कहाँ करेगा कि प्लैटिना में जो आपको एक एक्स्ट्रा गियर मिलता है, यानी कि स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। अब ये जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है शायद आपको सिटी में आपको ना समझ में आए, देखो मैं सही बता रहा हूँ सिटी में आपको नहीं समझ में आएगी, जब आप हाईवे पे जाओगे तो वो एक्स्ट्रा गियर आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा बजाज ने जो है अभी यार प्लैटिना में सही में बहुत अच्छे फीचर्स आपको दे दिए हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आप जो है भाई इस दोनों बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों ही बाइक का मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लें, आपको जो दोनों ही बाइक्स के बारे में मालूम चल जाएगा। बट 100-110 cc के सेगमेंट में ये दो बाइक्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप वो जो है पूरी तरीके से फुलफिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि 125 cc में अगर आपको जाना है तो दो बाइक फिर मैं आपको बताऊंगा, एक है हीरो ग्लैमर i3s और दूसरा है होंडा शिबी शाइन SP। दोनों के ही डिटेल वीडियोस जो है मैंने बना रखे हैं, उसका भी जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दे दूंगा। राहुल भाई जो है यहाँ पे वो अगले महीने रेनो क्विड RXL 800 cc वाली लेने की सोच रहे हैं और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने वो एस्प्रेसो वाला वीडियो बनाया था, तो उनका कहना है कि यार अब मैं वेट कर जाऊं या मैं जाके क्विड RXL ही ले लूं। अब ये आपका पर्सनल डिसीशन है, अगर आपको क्विड पसंद आ गई है तो अच्छी गाड़ी है, आप जाके डेफिनेटली क्विड RXL ले सकते हो, बट अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं तो कहूंगा कि एक बार कर लो, क्योंकि मारुति की तरफ से एक नई गाड़ी आ रही है। एस्प्रेसो में जो है आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाएगा, तो वो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, दिवाली तक जो है ये कार आ जाएगी, तो ये तो उम्मीद अभी लगाए जा रहे हैं, बट अगर आपको अच्छा डील मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई जल्दी है तो फिर भाई आप जाके क्विड ले लो। बट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यार कि अगर आप क्विड की 800 cc वाला ही लेना चाह रहे हो, एज अ भाई मतलब आपको बताऊंगा कि यार एक बार आप 1000 cc वाला क्विड भी जो है चेकआउट कर ही लो, क्योंकि देखो 1000 वाला सीसी में जो थोड़ा स्लाइड परफॉर्मेंस बम्प मिल जाता है और बाकी तो सच लुक वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो थोड़ा परफॉर्मेंस का जो है आपको एज मिल जाएगा। 800 cc वाली ले रहे हो तो अगर आपको बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो क्यों ना 1000 वाले को ही ले लो, अगर आपको क्विड में लेना है तो। तो इनका क्वेश्चन ये था कि ये पोलो में जो रेयर सीट स्पेस है, जो कंफर्ट है, उनसे ये कंफर्टेबल है, और अगर इस उसी कंफर्ट क्या वैसा ही स्पेस, वैसा ही कंफर्ट जो है आपको वेन्यू में मिलता है। तो देखो यार वेन्यू पे मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन रही बात यहाँ पे पोलो की, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग लगभग जो उतना ही है, मैं एग्जैक्टली दोनों में बैक टू बैक बैठ के तो नहीं देखा, बट हाँ
अगर आप कंपेयर करोगे तो एक प्रीमियम हैचबैक टाइप स्पेस तो आपको वहां पे मिल ही जाएगी। सीट का कंफर्ट अच्छा है वेन्यू का, नो डाउट बढ़िया सीट है, कुशनिंग वगैरह अच्छा है, थाई सपोर्ट ये लंबर सपोर्ट वगैरह सही है, तो कुछ रेयर सीट के कंफर्ट वाइज तो कोई इशू आपको नहीं आएगी। स्पेस वाइज यार ऑलमोस्ट एक प्रीमियम हैचबैक जितनी स्पेस आपको वेन्यू में मिल जाती है कि एक बार आप खुद बैठ के देखो देखो अगर आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, क्योंकि एक अपना सेटिस्फैक्शन भी जरूरी होता है, क्योंकि भाई पैसे अच्छे खासे 10 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी आप लगाओगे भाई आपके अपने पैसे लगेंगे, तो इस चीज के लिए पूरी सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। तो यार यहाँ पे कुछ मेन क्वेश्चन थे जो काफी कॉमन थे। एक क्वेश्चन फाइनली बहुत आया है भाई मेरे पास, एक्टिवा 125 BS6 कब लॉन्च होगा? भाई अनवेल हो चुका है, वीडियो आपने देख ही लिया, मैंने बना ही दिया था, लॉन्च सितंबर में एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता भाई, वो कंपनी रिवील जब करेगी आप लोगों को मैं बता ही दूंगा, बट अभी तक तो यार सितंबर में इसकी लॉन्च जो है ऑफिशियल सेल्स पर्पस के लिए जो लॉन्च है ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि सितंबर के बाद आपको शोरूम्स में नई वाली एक्टिवा 125 देखने को मिल जाएगी। लगभग लगभग जितने भी मेजर क्वेश्चन थे यार मैंने कोशिश किया जो कॉमन क्वेश्चन है उनके आंसर आप तक पहुंचाने के लिए। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपके सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट सेक्शन में दो, और मैं 1-to-1 जो है इसी वीडियो के नीचे आप दे देना, इसी वीडियो के नीचे आप देना, मैं कोशिश करूंगा आपके जो आंसर्स क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके दे दूं। तो बस यार उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा खींच गया बट आपके सवाल के जवाब भी देना जो है थोड़ा सा जरूरी था। और कल आएगा पॉडकास्ट, सॉरी संडे को आएगा पॉडकास्ट, आज है फ्राइडे तो संडे को आएगा पॉडकास्ट, देखना जरूर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर जो है आपसे बात उस पर होगी। पॉडकास्ट बेसिकली सुनने में मजा आता है, सुनने के लिए बनाया जाता है, तो इसीलिए पॉडकास्ट जो है वो पिछले वाला देखना। आई होप आपको जो है कुछ चीजें सीखने को जरूर मिलेगी, और कल का पॉडकास्ट भी जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा। वीडियो में गाइस आपसे फिर मिलूंगा, और इसी के साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।